कांग्रेस की नवनियुक्त नीमच जिला प्रभारी नूरी खान आज नीमच दौरे पर आई है। नीमच जिले का प्रभार मिलने के बाद ये उनका प्रथम दौरा है। 29 अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नीमच और जावद आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ये दौरा कांग्रेस संगठन में जान फूंकने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है। नूरी खान ने दिग्विजय सिंह के आगमन की व्यवस्थाओं को लेकर नीमच में टाउन हॉल का जायजा लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। एमपी ने नूरी खान से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की तेज तर्रार नेता नूरी खान जी, जिन्हें कांग्रेस ने हाल ही में जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। चुनौतीपूर्ण स्थिति है, बार बार प्रभारी बदले जा रहे हैं और इस दौरान नूरी खान जी को प्रदेश जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं किस प्रकार की चुनौती। मैडम स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। आपको आरएसएस की नर्सरी में जिले का प्रभार दिया गया है और चुनावी वर्ष कुछ ही समय बचा है, किस तरह की चुनौतियाँ हैं? देखिए, आरएसएस से तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। नागपुर में इनकी संस्था में जहाँ हजार सालों तक तिरंगा नहीं लहराया गया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि चुनौतियाँ तो जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन चुनौती में तब मानती जब जो मुखिया हैं इस प्रदेश के वो चुने हुए मुखिया होते, वो अलोकतांत्रिक तरीके से संविधान की हत्या करने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई एक अलोकतांत्रिक सरकार के साथ है, और नीमच ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा 2023 में। चुनाव के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बड़े ही विश्वास के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, और कल हमारी मंडल सेक्टर की मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। तो ये मीटिंग भी बहुत अहम है, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल तक काम करेगा, उसको पन्ना प्रभारी भी बनाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और ये मीटिंग मैं कहती हूँ कि चुनावी शंखनाद नहीं बल्कि चुनावी जीत के लिए जीत भी तय करेगी। मैडम, अभी आपने कहा पन्ना प्रमुख वाली बात, तो आरएसएस की रणनीति पर काम किया जा रहा है? आरएसएस की रणनीति पर कांग्रेस क्यों काम करेगी? ये कांग्रेस जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो वो क्या आरएसएस से सीखेगी? एक नाम भी है इनका उस लिस्ट में नहीं है। तो ये जो करते हैं, ये पन्ना प्रभारी बनाते हैं या ये जो भी करते हैं, ये जहर घोलने के लिए जाते हैं और हम हाथ बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। 2003 से कांग्रेस इस जिले में नहीं आ पाई है, किस तरह की रणनीति अख्तियार करेंगे कि कांग्रेस को यहाँ पर विजय मिले? देखिए, जो प्रत्याशियों का चयन है, जिसका जनता के साथ जुड़ाव है, जिसे जनता चाहती है वो चुनाव लड़े, और वही कमलनाथ जी भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देने का काम करें। इसका मापदंड क्या रहेगा? देखिए, मापदंड की कोई ज़रूरत नहीं, जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के साथ रहते हैं, उनके मुद्दों पर लड़ते हैं। ये जो जिला है वो करीब जो जिला है, यहाँ की जो गूंज पूरे देश में सुनाई देती है, दिखाई देती है, और उसके बाद जो बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उनका जो मार्जिन है वो बहुत कम है। और दूसरी बात, मार्जिन कम होने दीजिए, जो सरकार है ये विफल है। ये महंगाई, महिला अत्याचार, आप देखिए सिलेंडर 1200 रुपये में दे रहे हैं और लाडली बहन के वो 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। धार में एक बेटी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और मुख्यमंत्री जी खामोश हैं। तो जनता इस सरकार के खिलाफ है और जनता तख्ता पलट कर रहेगी। आप कमलनाथ जी के खास भी माने जाते हैं, और दूसरी बात, कमल जी का एक स्टेटमेंट अभी आया था कि वो कांग्रेस में फूल छाप कांग्रेसियों को ढूंढने निकले हैं, क्या कहेंगे? फूल छाप कांग्रेस से मतलब क्या? देखिए, संगठन में रहकर भी, अब जैसे सिंधिया तो कांग्रेस ही थे ना, उसके बाद उन्होंने कितनी बड़ी गद्दारी की, और उस गद्दारी का खामियाजा कमलनाथ जी को नहीं बल्कि इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है। तो जो ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो खुलकर चले जाएं, ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो संगठन में काम करेगा, हमें हवाबाज नेताओं की भी ज़रूरत नहीं। मैं तो उन्होंने तो फूल छाप का है, मैं कह उसमें एक लाइन और जोड़ देती हूँ, हमें हवाबाज नेताओं की ज़रूरत नहीं कि जो बड़े नेता आएंगे कुर्ता पजामा पहन के उनकी परिक्रमा कर लेंगे और सोचेंगे कि वही आगे बढ़ जाएंगे, नहीं चलेगा। जो जनता के बीच रहेगा, जनता की आवाज़ उठाएगा, जनता के साथ काम करेगा, वही आने वाले समय में नेता चुना जाए। फूल छाप कांग्रेसी नीमच में भी अभी सामने आए थे, जब पार्षद का चुनाव हुआ था उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था। देखिए, ऐसी कोई भी स्थिति है, क्योंकि मेरा आज पहला दौरा है, मैं सारी जानकारी और रिपोर्ट लूंगी
और उसके बारे में हम बात करेंगे माननीय अध्यक्ष जी से, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी वैसा हम काम करेंगे। मैडम, बार बार प्रभारी बदले जा रहे हैं, चुनावी वर्ष से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अस्थिरता का संदेश जा रहा है, बिखराव की स्थिति भी है, अगर जमीनी लेवल पे आप इस बात को मानेंगे तो। देखिए, बार बार बदले गए हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मुझे तो पहली बार ही बनाया गया है नीमच का, तो मेरे लिए ये जिला नया नहीं है। मैं यहाँ परिवार की हैसियत से आई हूँ, प्रभारी की हैसियत से नहीं आई हूँ, और मैं अपने कांग्रेसी साथियों पर और संगठन पर मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जो 3 विधायक हम जीत कर देंगे वो संगठन के माध्यम से ही जीत कर देंगे। अंतिम सवाल है, आपकी रणनीति किस प्रकार की रहेगी ताकि कांग्रेस में जान फूंकी जा सके? गुटबाजी वास्तव में बहुत ज़्यादा है, पुनः कहना चाहूँ। देखिए, रणनीति तो जो होती है वो सीक्रेट होती है, बताई नहीं जाती है। हाँ, लेकिन जो मेरी भूमिका रहेगी वो रहेगी कि मैं खुद भी जनता के बीच रहूं और मेरे सारे साथी भी जनता के बीच। हम दफ्तर में बैठकर कांग्रेस नहीं चलाएंगे, हम गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, चौराहे पर जाकर कांग्रेस की बात करेंगे। आपने सुना, नूरी खान जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि यहाँ पर हवाबाज नेताओं को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाएगा, दफ्तर से ऑफिस नहीं चलेगा, कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए गली मोहल्ले चप्पे चप्पे नगर नगर डगर डगर घुमा जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विफल सरकार चलाने का आरोप भी लगाया। वॉइस ऑफ MP के लिए अब्दुल अली ईरानी।